हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा Redmi 12 फ़ोन है, तो Redmi 12 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस हैं, तो टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को आप कैसे ऑफ कर सकते हैं अपने Redmi 12 फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से हमारे फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन सब बने आएंगे, ओपन हो जाएंगे। फिर आपको इसमें से जाना होगा सेटिंग्स आइकन पे, और क्लिक करते ही जो हमारी फ़ोन की सेटिंग्स है, यहाँ से इसको ओपन कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स भी ओपन हो जाएगी। जो हमारे फ़ोन में टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस है, तो टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को आप कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन की सेटिंग्स है शो हो रही है, तो आपको इस पर जाना है साउंड एंड वाइब्रेशंस पे। साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स ओपन ही आएगी। फिर आपके पास ये ऑप्शन आता है, यहाँ से आपको एडिशनल सेटिंग पे जाना है, जहाँ से आप टच साउंड को ऑफ कर सकते हैं। टच साउंड को ऑफ करते हैं तो जो हमारी फ़ोन स्क्रीन का साउंड होता है, टच साउंड ऑफ हो जाता है, इसमें कोई भी साउंड शो नहीं करेगा। इस तरीके से आप टच वाइब्रेशंस को भी ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन करना चाहे ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना चाहे ऑफ भी आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं। रेडमी 12 फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर आप सर्च करते हैं, टच साउंड, तो सर्च करते ही टच साउंड सेटिंग्स आ जाएगी। यहाँ से भी आप टच साउंड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऑन करते हैं तो टच साउंड आपके फ़ोन डिस्प्ले स्क्रीन पर शो करेगा, और ऑफ कर देंगे तो टच साउंड आपके फ़ोन में ऑफ भी हो जाएगा। इस तरीके से आप टच साउंड को ऑफ भी कर सकते हैं और ऑफ करके यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।